प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अब हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में जो कि अध्ययन करेंगे। सूरज विद्यालय नहीं जाता है, ठीक है। इसमें पहला वाक्य है सूरज विद्यालय नहीं जाता है, टेंस को पहचानना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है, ता है आ गया है ना। जब ता है आ गया तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें एक नेगेटिव वर्ड आया है नहीं, जो शो कर रहा है यह सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। अब टेंस और टेंस पहचानने के बाद इसमें देखना है सब्जेक्ट कौन विद्यालय नहीं जाता है, आंसर आया सूरज, तो सूरज क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा सूरज। अब सूरज एक वचन की बहुवचन, इसमें साइकिल क्या लगे, डू और डज, एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू, तो एक वचन सूरज है डज हो जाएगा, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। सूरज डज नॉट गो टू स्कूल, सूरज डज नॉट गो टू स्कूल, सूरज विद्यालय नहीं जाता है। नेक्स्ट सर रजनीश गाना नहीं गाता है, तो गाता है ता है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं आ गया सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव, कौन गाना नहीं गाता है, रजनीश। रजनीश हो जाएगा, अब रजनीश सिंगुलर नंबर है इसलिए डज लग जाएगा, डज नॉट गाना नहीं गाता है तो सिंग अ सॉन्ग, रजनीश डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, रजनीश गाना नहीं गाता है। नेक्स्ट है उसकी बहन सुबह में नहीं टहलती है, यहाँ आ गया टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस। अब कर्ता पहचानना है कौन सुबह में नहीं टहलती है, उसकी बहन, उसकी बहन हमें सब्जेक्ट के रूप मिल गई, हिज सिस्टर। अब हिज सिस्टर जो है एक वचन में है तो क्या होगा, डज, हिज सिस्टर डज नॉट, नहीं के लिए नॉट हो जाएगा। अब इसका काम क्या है, टहलना, टहलना इंग्लिश क्या होगी, वॉक, वांडर नहीं लगाएंगे वॉक लगाएंगे, ठीक है। हिज सिस्टर डज नॉट वॉक, कब नहीं टहलती है, सुबह में, एक टाइम आ गया है ना सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग हिज सिस्टर डज नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, उसकी बहन सुबह में नहीं टहलती है। नेक्स्ट है तुम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हो, ते हो आ गया, तो कौन सा टेंस हो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं आ गया सेंटेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब कौन अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, तुम, तो यू सब्जेक्ट हो गया। अब यू सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल, तो सहायक क्रिया क्या होगी, डू, यू डू, नहीं के लिए क्या होगा, नॉट, यू डू नॉट। अब इसका काम क्या है, सम्मान करना, यू डू नॉट रिस्पेक्ट, यू डू नॉट रिस्पेक्ट टू, अपने बड़ों का, किसका सम्मान नहीं करता है, अपने बड़ों का, तो टू योर एल्डर्स, एल्डर्स मतलब बड़ों का, यू डू नॉट रिस्पेक्ट टू, यहां नहीं रहेगा, यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हो। नेक्स्ट है मैं तुम में कोई रुचि नहीं लेता हूं, ता हूं आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस, कौन नहीं रुचि लेता है, मैं के लिए क्या होगा, आई, आई सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू, आई डू नॉट, लेना का क्या हो जाएगा, क्रिया मुख्य क्रिया क्या, लेना, टेक, क्या लेना, इंटरेस्ट, आई डू नॉट टेक
interest. अब रुचि है, कोई रुचि है उसके लिए एनी होगा. आई डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट. इसमें तुम में इन यू हो जाएगा. अब देखिए यहां पर कोई रुचि था इसलिए यहां पर इंटरेस्ट पहले एनी लगेगा. आई डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन यू. हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं. कौन झूठ नहीं बोलता है? हम लोग. पहले सेंटेंस पहचान ही रहे हैं, सेंटेंस भी पहचान रहे हैं. सब्जेक्ट है हम लोग, वी हो जाएगा. वी प्लूरल है, डू होगा, वी डू नॉट. अब झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई लगता है. अगर सत्य बोलता तो स्पीक द ट्रूथ होता. वी डू नॉट टेल अ लाई. हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपके सामने जो कि नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस सेट थी, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था. और इसमें नेगेटिव सेंटेंस बारे में बताया गया कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनता है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कि ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सही तरीका जो कि मालूम हो गया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपको बताया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस.